बॉल ट्रिमर कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, बट यू नो इस कैटेगरी के रियल ओजीज कौन है? ये दो ब्रांड्स मेनवुड एंड स्लेड बॉलिस्टिक। चाहे इन्होंने भी सेरेमिक ब्लेड्स वाला कॉन्सेप्ट अमेरिका से चोरी किया हो, बट इंडिया में तो स्टार्ट इन दोनों ने ही किया है ना। और इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों ओजी ब्रांड्स को। मेरा नाम है नितिश बस्सी, तो चलिए खोलते हैं। दोनों ही ट्रिमर्स का इंडिविजुअली रिव्यू किया हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में कंपैरिजन होगा, प्राइस के साथ स्टार्ट करेंगे। ज़ेड वाला सस्ता है, वेल दिस वन इज एन ओल्डर मॉडल जो आप देख पा रहे हो। नए वाले को भी हमने रिव्यू किया हुआ है। नया मॉडल 3000 रुपीज के अराउंड है। ये वाला डिसकंटिन्यू हो चुका है, उसमें अभी नए वाले में डिस्प्ले वगैरह आ चुके हैं। एंड मैनवुड वाला थोड़ा एक्सपेंसिव, थोड़ा नहीं काफी एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 5000 के अराउंड चला जाता है इसका प्राइस। बिल्ड क्वालिटी में मैनवुड ज़ेड से बेटर है, काफी बढ़िया है, और इनहैंड एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। ये फोन नहीं है। बैटरी का डिजिटल डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीज हो जाती है लॉन्ग टर्म यूज के बाद। स्टार्टिंग में नया नया ऐसा लगे कि यार इसकी क्या जरूरत, बट जब लॉन्ग टर्म यूज करते हो, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप मोस्टली वॉशरूम में ही रहने देते हो, चार्ज करने के लिए ही बाहर निकालते हो। सो इफ यू हैव एन आइडिया एग्जैक्टली 20% बचा है, 25% बचा है, तो आप उस चीज को बेटर वे में चार्ज कर सकते हो एंड वो डेड होने से बचा सकते हो। ज़ेड के नए मॉडल में बैटरी डिस्प्ले आ जाती है एंड उसका इंडिविजुअली रिव्यू हुआ पड़ा है, आप देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। और उसकी बिल्ड क्वालिटी, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इफ वी कंपेयर इट विद मैनहुड। फोटोज में तो काफी सिमिलर लगता है, बट जब हाथ में पकड़ते हो फिर फील होता है कि हाँ वो थोड़ा बेटर है। दोनों की बैटरीज में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। ज़ेड वाला एक्सटेंडेड टाइम देता है जो ऑलमोस्ट बहुत सारे बाकी बॉल ट्रिमर देते हैं, 90 मिनट्स, जो मैं मानता हूँ अच्छा है, काफी बढ़िया है। 1.5 घंटे का आपको रन टाइम मिल जाए और क्या चाहिए। बट ये वाला मैनहुड वाला 150 मिनट्स का प्ले टाइम देता है एंड वो पकड़ने पे फील होता है भाई काफी बड़ा बैटरी पैक देखने को मिलता है। शायद आप सोचो इतना लंबा रन टाइम करना ही क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो मैं मैनहुड वाला काफी देर से यूज कर रहा हूं, काफी देर से 2-3 महीनों से वॉशरूम में पड़ा है। लास्ट चार्ज कब किया था? 3-4 महीने पहले। थोड़ा यूज भी कम करता हूं। सो जितना बड़ा रन टाइम मिलता है, जितना ज्यादा रन टाइम मिलता है, उतनी बैटरी भी प्रिजर्व ज्यादा होती है, उतना कम चार्ज भी करना पड़ेगा। एंड ये ऐसे ट्रिमर्स हैं जो आपके रूम में नहीं, आपके वॉशरूम में रहने वाले हैं। मैनहुड में फीचर्स भर भर के आ जाते हैं। पहली बात तो वायरलेस डॉक मिल जाता है, इसके ऊपर आप ऐसे रखो एंड पीछे टाइप सी केबल के साथ प्लग इन करो एंड इट स्टार्ट्स चार्जिंग, डायरेक्टली भी कर सकते हो। एंड यस, टाइप सी पोर्ट होना भी एक फीचर हो जाता है, क्योंकि बाकी ट्रिमर्स में कई बार आपको टाइप सी नहीं मिलता, तो आप अपने मोबाइल चार्जर्स के साथ भी से चार्ज कर सकते हो। मैनहुड वाला महंगा होने की वजह से ना इन्होंने एक्स्ट्रा चीजें भी दे दी है, जैसे कि ये स्टोरेज बॉक्स, इसमें आप अपने ब्लेड को स्टोर करके रख सकते हो। सेरेमिक है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एंड अगर आप एक्स्ट्रा ब्लेड खरीदते हो तो उसे भी स्टोर करने के लिए जगह मिल जाती है। दूसरी ओर ज़ेड में इतने सारे फीचर्स नहीं है, इसी वजह से प्राइस भी थोड़ा कम रखा हुआ है एंड इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर को भी लेके आए हुए हैं, फेस बनाया हुआ है। ज़ेड के बॉक्स में मैनहुड जितनी चीजें तो नहीं मिलती एक्स्ट्रा वाली, जैसे स्टोरेज बॉक्स वगैरह, बट हाँ काम वाली चीजें तो आ जाती है। बाकी काफी सिमिलर फीचर्स भी हैं, जैसे कि दोनों 100% वाटरप्रूफ है विद IPX7 रेटिंग। दोनों में ही लाइट मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। आप एक बार यूज करके देखोगे, आपको लगेगा यार बिना लाइट के ट्रिमर से ट्रिम करना इतना इजी नहीं है। आवाज के मामले में दोनों ही बिल्कुल सेम है, नेक टू नेक, बहुत ज्यादा साइलेंट नहीं बट बहुत ज्यादा शोर भी नहीं। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है? सेफ्टी। देखो जितने मर्जी फीचर्स दे दो, जितनी मर्जी बड़ी बैटरी बैकअप दे दो, जितना मर्जी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी दे दो, बट अगर आपकी ट्रिमर्स वो वाले पार्ट पे सेफ फील ना हो तो उनका पॉइंट ही क्या। सो दिस पार्ट इज अबाउट सेफ्टी एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें डिफरेंस है ही नहीं। दोनों के सेरेमिक ब्लेड्स एकदम सेम क्वालिटी के फील हो रहे हैं एंड अभी तक, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हैवी यूज नहीं करना पड़ा किसी को भी, दोनों पहले वाले ही हैं, अभी तक चेंज नहीं किए। वैसे एडवाइस रहता है 6-7 महीने बाद आपको चेंज कर लेने चाहिए, करने ही पड़ते हैं, 6-7 नहीं तो 8-9-10 महीने बाद आपको चेंज करने पड़ेंगे। एनीवेज दोनों के सेरेमिक ब्लेड्स एकदम सेम क्वालिटी के हैं, दोनों ही वाइड भी एकदम सेम है, तो डिफरेंस सेफ्टी में मिल ही नहीं रहा। एंड जो कॉम्ब आ रही है सेफ्टी शील्ड वाली, वो भी एकदम सेम। बट ये दोनों ब्रांड्स अपनी एड्स में दिखाते हैं कैसे एक पर्सन शावर लेता है एंड उसके बाद ट्रिम करता है। मैंने ट्राई करके देखा, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है आप शावर करते टाइम अपने बॉडी को वेट करने के बाद ट्रिम करो,
ट्रिमिंग हो ही नहीं पाती दोनों में, सेरेमिक ब्लेड्स वहां पे अच्छे से वर्क कर ही नहीं पाते। Here's the conclusion time, दोस्तों देखिए, ज़िलेड वाला 3000 के अराउंड है, ये वाला रेगुलर प्राइस इसका 4800 के अराउंड रहता है, 5000 के अराउंड। आई टेल यू आपको कौन सा वाला लेना चाहिए। अगर आपका बजट है इतना, अगर आप 3000-4000-5000 के अराउंड वाला एक प्रीमियम ट्रिमर देख रहे हो फॉर योर बॉल्स फॉर योर बॉडी, तो ये दोनों से बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगी अगर आपका इतना बजट है। सो इफ यू आर गेटिंग दिस मैनहुड वाला फॉर 3500 या 4000 रुपीज, तो आंखें बंद करके ले लेना चाहिए। अदरवाइज रेगुलर प्राइस के हिसाब से 3000 मेक्स सेंस। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप 2000 रुपए पे कर दो इसके लिए, तो 500-1000 रुपए तक पे करना फील्स लेजिट, बिकॉज बैटरी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रिजर्व भी अच्छा करती है, प्ले टाइम ज्यादा है, प्ले टाइम मतलब रन टाइम ज्यादा है। बट अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो शायद आपका बजट 2000 तक ही हो, अनटिल एंड अनलेस यू आर फ्रॉम साउथ दिल्ली। सो आपके लिए ये दोनों ही नहीं, आपको और ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी, एंड है अच्छी ऑप्शंस है उस प्राइस रेंज में। वो जानने के लिए आपको हमारी एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने अंडर 2000-3000 ऐसे काफी सारे बॉल स्ट्रिमर्स को कंपैरिजन में ऐड किया है, वहां पे आपको जरूर कुछ मिल जाएगा। बट कुछ कमेंट्स पढ़े मैंने जिसमें लोग बोल रहे हैं अभी ये वीडियो पुरानी हो गई है, हमें और न्यू ब्रांड्स का भी कंपैरिजन चाहिए, एंड कुछ नए ब्रांड्स आए हैं, मैंने भी देखे हैं 3-4 ब्रांड्स आए हैं। आप ना मेरे लिए काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ ब्रांड्स का जो आप चाहते हो कंपैरिजन में उनका नाम लिख दीजिए, 5 या 6 ब्रांड्स का, मैं उन्हें खरीदूंगा पर्सनली जैसे लास्ट टाइम भी किया था, एंड फिर एक महीने के अंदर अंदर आपको एक बढ़िया सी कंपैरिजन वीडियो मिल जाएगी बॉल स्ट्रिमर्स की। इन दोनों में से कोई खरीदना है तो आपको लिंक पता है कहां मिलना है, डिस्क्रिप्शन में। जाने से पहले लाइक कर देना, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। मिलते हैं कल।